हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस लोग सीखने वाले हैं सीपीयू के बारे में, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग होता क्या है, इसका उपयोग क्या है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट्स का क्या यूज है। जैसे हमने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था और बताया था, जब हमने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस बताया था। चलिए इसको समझने के लिए नहीं ठीक। सब लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे यह हमारा मॉनिटर है, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देते और यह हमारा सीपीयू है और यह हमारा कीबोर्ड है। ध्यान देना, अब आप लोग हैंडराइटिंग में मत जाना क्या लिख रहे हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो लाइट पेन है ऐसे ही कुछ चलता है, ठीक है। यह कीबोर्ड है और यह हमारा क्या है, सीपीयू है और यह हमारा मॉनिटर है। अब देखो होता क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है इसको समझते हैं। जो हमारा कीबोर्ड है यह एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। जो सीपीयू है वह हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है और जो मॉनिटर है यह हमारा आउटपुट डिवाइस। अब होता क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा, जो हमारा सीपीयू होता है इसी सीपीयू से हमारा कीबोर्ड भी कनेक्ट होता है और इसी सीपीयू से हमारा मॉनिटर भी कनेक्ट होता है। मतलब जितने हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं वह सारे के सारे डिवाइसेस हम सीपीयू से ही कनेक्ट करते हैं। मीन्स यूं कह सकते हो कि अगर कंप्यूटर पे आपको काम करना है, अब कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से या आप मॉनिटर के सारे कोई आउटपुट देखना चाहते हो, तो सबसे पहले हमारे सीपीयू से वो सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, अगर कोई पूछे नॉर्मल सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए, तो जैसा कि हमने बताया है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मीन्स अब होता क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको समझते हैं। तो जो कीबोर्ड है एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसी के सहारे सारा इंस्ट्रक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको लिखना है राम या हमको लिखना है ए इक्वल टू या ए इक्वल टू, तो जो भी हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं किसके माध्यम से है, कीबोर्ड के माध्यम से। लेकिन अगर हमारा यह कीबोर्ड हमारे सीपीयू से कनेक्ट ना हो, तो बस हम यहाँ पे टाइप करते रहेंगे, टाइप होने वाला नहीं है। यूं कह सकते हो कि जो हमारा सीपीयू है जो कंट्रोलिंग करता है, अब मॉनिटर हो चाहे कीबोर्ड हो या अदर कोई भी डिवाइसेस हो, सारे इसी से कनेक्ट होते हैं। आज जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं वह तो देते हैं इनपुट डिवाइस के सहारे, लेकिन यह हमारा इनपुट सबसे पहले जो जाता है वो कहाँ पे जाता है, सीपीयू के पास। और सीपीयू क्या करता है, उस इनपुट को, उस डाटा को, जो हम लोग डाटा क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इनपुट किया क्या, ए इक्वल टू, तो देखो ए पहले टाइप किया इक्वल टू, तो अगर मान लो कुछ हमको ऐसा करना है तो नॉर्मल तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे था इक्वल, यहाँ पे था टू, यहाँ पे था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको प्रोसेस करके लिखा जाए, तो यह संभव किसके सहारे है, सीपीयू के सारे। या बाय डिफॉल्ट आप तुम सोच रहे हो कि जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो हमारा आउटपुट दिखाई दे कहाँ पे, मॉनिटर पे, तो वो भी सारा का सारा प्रोसेस कंट्रोलिंग करता है, वो हमारा सीपीयू ही करता है। मतलब यूं शब्दों में, एक सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हो कि सीपीयू एक प्रकार का हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो क्या करता है इनपुट किए डाटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके क्या करता है,
आउटपुट के रूप में एक इंफॉर्मेशन हमको देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, कीबोर्ड से जो भी इनपुट देंगे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और हमको यहाँ पे आउटपुट देगा। क्या हमने कर दिया इनपुट क्या, 2+2, तो सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और रिजल्ट में क्या आएगा, 4। मीन्स सीपीयू मेन फंक्शन होता है, इसीलिए कहा जाता है माइंड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। मीन्स मतलब क्या, अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे आप लोग, सीपीयू। मतलब सीपीयू ओवरऑल सारा का सारा जो कंट्रोलिंग करता है वो सीपीयू ही करता है। अब कैसे करता है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो बुक में देखो एक डायग्राम बनाया गया है, उसी को हम लोग समझते हैं। तो मैं वहां पे बुक में, आप लोग देखते रहना घर पे, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनाओगे। जैसे देखो ऐसे कुछ बनाया गया है, एक बड़ा सा, सबसे अच्छा इससे मैं बना दूँ। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसे एक बड़ा सा सर्कल बनाया गया है। अब उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद से एक और यहाँ पे सीपेज है कंट्रोल यूनिट का, और एक और है वह है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, और एक और है वह है हमारा है मेमोरी यूनिट का। अब समझने की कोशिश करना होता क्या है, तो यह हमारा सीपीयू का मेन फंक्शन है, यह मान लो इसे बोलते हैं सीपीयू, सीपीयू। अब देखो यह जो है उसे बोलते हैं सीयू, और इसे बोलते हैं एएलयू, और जो यह नीचे हमारा हम इसे बोलते हैं, वो बोलते हैं एमयू। अब होता क्या है, अब हम कीबोर्ड के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो जाएगा सबसे पहले कहाँ पे, सीपीयू में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीपीयू तुरंत उसको प्रोसेस कर दे, नो। सीपीयू में कुछ डिवाइसेस लगे हैं, पहला है सीयू, दूसरा है एलयू और तीसरा है ईएमयू। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट टाइम में जो भी काम करते हैं वो हमारा डाटा किस पे स्टोर होता है, मेमोरी पे, और मेमोरी में भी सबसे पहले किस पे होता है, वह होता है रैम पे। इतना सबको पता है ना। तो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं सीपीयू पे तो जाता है, लेकिन डायरेक्टली उसको प्रोसेस नहीं करता है, सबसे पहले जाता है कंट्रोल यूनिट के पास। अब जाहिर सी बात है, देखो सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। अब करता क्या है, कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है कि जितने रिसोर्सेस होते हैं और हम लोग इनपुट करते हैं, माउस से करें या स्कैनर से करें, मतलब या अगर किसी डिवाइसेस से हम लोग इनपुट देते हैं तो इनपुट डिवाइस से इनपुट करेंगे, तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल ये कंट्रोल क्या करना है, इसको जोड़ना है 2+2 और जाहिर सी बात हमको रिजल्ट निकालना है 4। तो ऐसा नहीं कि तुरंत हम 4 बता देता, नो। तो यह सीपीयू क्या करता है, ट्रांसफर करता है कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है, और होल्ड करने के बाद सबसे पहले सोचता है कि इसको कहाँ पे भेजे, डायरेक्टली मेमोरी में भेज दे क्या, या ईएलयू को भेजे, मतलब किसको भेजे। तो पहले सोचता है, समझता है कि जो कैलकुलेशन है वह कौन सा कैलकुलेशन, अंकगणित है, मतलब आप जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है या भाग करना है, यह अंकगणित कैलकुलेशन है। तो कंट्रोल यूनिट उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है और होल्ड करके ट्रांसफर करता है किसको, एलयू। अब एलयू के पास इतनी क्षमता होती है कि वो अंक गणित कैलकुलेशन कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपको जोड़ना है तो जोड़ भी देगा, गुणा करना है तो गुणा भी कर देगा, घटाना है तो घटा भी देगा, और भाग करना है तो भाग भी कर देगा। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे तो बता सकते हो कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो ओवरऑल जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सबसे पहले सीपीयू में तो जाता है, लेकिन सबसे पहले किसके पास जाता है, कंट्रोल यूनिट के पास। मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है और पहले समझता है कि कहाँ पे भेजना है। आप बताइए उसको जोड़ना है, घटाना है या गुणा करना, भाग करना है। तो आप बताओ ऐसे डिवाइस के पास भेजेगा जो कैलकुलेशन कर सके, ठीक है, अन्यथा तो ये जो है इसका मतलब तो अर्थमेटिक्स, अंकगणित, मतलब अर्थमेटिक के अंकगणित का मतलब यह होता है कि जो भी हमारी कैलकुलेशन नॉर्मल है वो आसानी तरीके से ए कर लेगा। एलयू, एल मतलब होता है लॉजिक, मीन्स तार्किक क्रियाएं। फॉर एग्जांपल तार्किक क्रिया मतलब जहां पे कंडीशन लगाया गया है। फॉर एग्जांपल हमने बोला राम एंड श्याम, तो हमने कंडीशन लगाया राम एंड श्याम, फिर हमने कर दिया राम या श्याम, तो इसमें भी हमने कंडीशन लगाया,
ये हमने बोला कि यह वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 50, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल 60। कंडीशन क्या लगाया, 60 के बराबर या 60 से ज्यादा हमारा वैल्यू आना चाहिए, या 60 के बराबर या 60 से कम आना चाहिए, या राम एंड श्याम दोनों आने चाहिए, या राम एंड श्याम में कोई एक आना चाहिए। तो जब हम कंडीशन जब देते हैं और लॉजिकल कंडीशन देते हैं तो वहां पर हमारा लॉजिक काम करता है, और जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन देते हैं तो हमारा क्या है, अर्थमेटिक काम करता है। और आसानी तरीके से यू कह दो, धीरे 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 क्या होता है, सारा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाता है और बाद में कहाँ पे आता है, मेमोरी में। मीन्स काम तो प्रेजेंट टाइम में मेमोरी में ही होता है, लेकिन फिर से स्वेव कहाँ पे होता है, स्टोर कहाँ पे होता है, फिर से इसी मेमोरी में हमारा स्टोर होता है। कहाँ पे, जिसे बोलते हैं एमयू, एमयू मतलब क्या है, मेमोरी। ठीक, कुछ ऐसा ही प्रोसेस चलता है। इसी के बारे में मैंने लिखवाया और समझाया है, चलिए थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। आप बताइए, कई बार लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर सीपीयू को किस किस नामों से जानते हैं, तो आप जवाब दे सकते हो। देखो, इस सीपीयू को कई सारे नामों से जानते हैं, अगर कोई पूछे सीपीयू तो कई सारे इसके नाम है। पहला क्या जवाब देंगे, पहला जवाब देंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड प्रोसेसर, ठीक है ना, और कई सारे नाम है। बाय डिफॉल्ट तीन क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे, सीपीयू। और सीपीयू कौन सा डिवाइस है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सीपीयू को और किस किस नामों से जानते हैं, तो हमको जवाब देना होगा, पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, ठीक है, कई लोग माइक्रोचिप के नाम से भी इसको जानते हैं। तो चलिए, मैंने जो प्रेजेंटेशन लिखवाया है थोड़ा उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। देखो, पहला पॉइंट्स क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। देखो, मैंने फर्स्ट यही बताया है ना, तो मैंने थोड़ा सा इसको यहां पे ले लेते हैं। देखो, यहां पे बताया जा रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स मतलब क्या है कि मैंने अभी बताया है कि जो हमारा सीपीयू है क्या है, ये कंप्यूटर के एक प्रकार का मस्तिष्क है, ठीक है, जिसे यू कह सकते हो। आप बताओ कि अगर एक इंसान है, अगर उसका दिमाग सही से काम ना करे तो कोई वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वैसे सारे हार्डवेयर डिवाइस हमने कनेक्ट कर दिया और क्या कर दिया, बीच से सीपीयू को ही हमने निकाल दिया, तो समझ जाओ हमारा हार्डवेयर डिवाइस किसी काम का नहीं है, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस किससे होता है, वह सीपीयू से ही होता है। इसीलिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, किसको, सीपीयू को। अब प्लस देखो, फिर से बताया जा रहा है कि ए यूनिट और कंपोनेंट्स दैट इज यूज फॉर द प्रोसेस डाटा कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीन्स मतलब क्या है, मैंने क्या किया है, आप बताओ डाटा का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे ए टाइप किया, ये क्या है, डाटा है, इक्वल डाटा है, टू डाटा है, चलो किसी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं राम, ये भी डाटा है, ठीक है, उनका एड्रेस पढ़ रहा हो ना, ये भी डाटा है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, ये भी डाटा है, लेकिन सबको हम प्रोसेस करके और एक जगह दिखाए तो हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप बताओ अगर सिंगल सिंगल हो तो क्या पढ़ोगे, ए, उसमें पढ़ोगे इक्वल, उसके बाद से टू, लेकिन अगर हम अभी इसको प्रोसेस कर दे तो हम कर सकते हैं इक्वल टू या टू इक्वल ए, तो कहोगे नहीं, ए के बराबर दो है या दो के बराबर ए है। आप नाम आगे क्या अलग अलग बताओगे, राम अलग, पड़रौना अलग, और आपका रजिस्ट्रेशन वाला अलग बताओगे, लेकिन बोले ना ये इंफॉर्मेशन बताइए, बताओगे नाम यह है, रजिस्ट्रेशन नंबर यह है और एड्रेस यह है, मतलब एक बार में आप आसानी तरीके से बता सकते हो। तो सिंगल सिंगल पहले डाटा को इकट्ठा किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल मैं बता दूं कि अगर आप बताओ कोई ऐसा मशीन बताइए जिसमें डाटा को इनपुट ना किया जाए और तुरंत प्रोसेस होके आउटपुट के उसमें रिजल्ट निकल के चला है। तो सबसे पहले देखो कंप्यूटर काम कैसे करता है, मैं यूजर हो गया तो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं ए इक्वल टू जो भी लिखते हो क्या एक डाटा है, और सीपीयू क्या करता है उसको प्रोसेस करता है, और जो रिजल्ट मिल रहा है वही एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग देख के अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे कहीं पे सेंड करते हैं, प्रिंट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। यही बताया जा रहा है कि इसका प्रयोग किस लिए करते हैं,
प्रोसेस डाटा, मतलब जो भी हमने डाटा इनपुट किया उसको प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट करता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं। हम चाहते क्या है कि कैलकुलेशन करके फोर आ जाए, मुझे वही रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, बड़े से डाटा में से किसी पार्टिकुलर पर्सन का डाटा आ जाए तो वही रिजल्ट दिखाई देगा। कब? तो जब हम इंटरेक्शन देंगे सही, तब। अगर गलत देंगे तो गलत आंसर आएगा, सही देंगे तो सही आंसर आएगा, आपको पता है ना, क्योंकि इसके पास आईक्यू लेवल 0 होता है, क्योंकि यह सोचता समझता नहीं है। ठीक है, जैसा इनपुट दोगे वह ऐसा आउटपुट मिलेगा, गलत दोगे गलत मिलेगा, सही दोगे सही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। और देखो फिर से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंट्रोल आर डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, मीन्स ध्यान देना, जो भी हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, मीन्स ठीक है, जो हमारा कीबोर्ड है या माउस है, इसके माध्यम से जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं डाटा को, क्या करता है यह ओवरऑल प्रोसेस यही करता है। और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है जी, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के रूप में हमको देता है। देखो यहाँ बताया, कंट्रोल ऑल डाटा मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं सबका कंट्रोलिंग कौन करता है, सीपीयू करता है, और प्रोसेस भी कौन करता है, सीपीयू ही करता है। और देखो नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है कि हैंडल आर इनपुट आउटपुट अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस, मतलब जितने हमारे इनपुट डिवाइस से जुड़े हुए हैं इससे उनको भी कंट्रोल करता है, प्लस आउटपुट, आउटपुट समझ रहे हो ना, क्या मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट प्रिंटर जी, क्लियर है ना। चलिए इनपुट मतलब क्या है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सारे क्या हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब देखो अर्थमेटिकल का मतलब क्या, मैंने अभी बताया आपको, जो भी कैलकुलेशन करने हो, ठीक है, जोड़ना हो या घटाना हो या गुणा करना भाग करना, सारा लॉजिकल मैं थोड़ा समझा देता हूँ। लॉजिकल का मतलब क्या होता, समझिए, जैसे हमने कंडीशन दे दिया, ध्यान दो, मैंने कंडीशन दे दिया ग्रेटर दे इक्वल 60, तो अगर नॉर्मल हम कह दें कैलकुलेशन कर दें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट हमको चाहिए क्या, चेक करिए क्या वैल्यू 60 के बराबर या 60 से ज्यादा है, तो बताइए क्या ट्रू, अगर नहीं है तो बताइए फॉल्स, ऐसा कंडीशन दे दिया, लॉजिकल कंडीशन है, तो हम आसानी तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, लॉजिकल ऑपरेशन का। या हमने बोला राम एंड श्याम, अब क्या मतलब है जी, एंड का मतलब तो दोनों, मतलब राम भी आए और श्याम भी आए, तो ऐसा कंडीशन फॉलो करना होगा, तो फिर से हमको लॉजिकल कंडीशन पे हमको जाना पड़ेगा। तो जहां पे कंप्यूटर तो यही तरीका ही है, ज्यादातर अंक गणितीय कामों को करता है, तार्किक कामों को करता है। ठीक है, तो ओवरऑल कंट्रोलिंग जो भी होता है, प्रोसेस जो कार्य होता है, वो सब किसके सहारे होता है, सीपीयू के सहारे होता है। और देखो बताया जा रहा है किसको, किस किस नाम से जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर, याद कर लेना, कोई पूछेगा तो पहला जवाब देना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर, कई लोग इसको माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। ओके ना, तो यह आपको समझ आ रहा होगा क्या मैं बता रहा हूं आपको। चलिए ईमानदार, कैसे, देखो यही हमारा क्या है, सीपीयू है, लेकिन देखो अगर कुछ ऐसा हमको खाली डब्बा मिल जाए यह वाला, तो इसे हम सीपीयू नहीं बोलते, ध्यान देना, पहले अगर ऐसे कोई दे दे अका दे नहीं तो कभी जवाब मत देना सीपीयू है, मतलब सीपीयू में क्या होता है, जो ये खाली जो किनारे किनारे डब्बा दिख रहा है इसे हम लोग कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, जब इसमें हम लोग करते क्या है, सारे डिवाइस को कनेक्ट कर देते, मतलब मदरबोर्ड हम इसमें क्या करते हैं, लगाते हैं, एसएमपीएस लगाते हैं, मतलब तब हम उसे बोलते हैं सीपीयू। तो देखो ये जो छोटा दिख रहा है यहाँ पे ना, समझो इसे ही बोलते हैं सीपीयू, मतलब यही प्रोसेस करता है सारा का सारा, इसे बोलते हैं प्रोसेसर, मतलब अगर इसको निकाल दे ये छोटा सा जो चिप है,
तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं, एक डब्बे का सामान है। मतलब इसको मत देख के पहचान लेना, मतलब ऐसा दिखता है, कई बार खाली ला कर रख देंगे तो पहले देख लेना रियल में है कि नहीं कुछ। लेकिन वैसे देखो तो कोई बोलेगा सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू है, लेकिन रियल में अगर खाली डब्बा हो तो उसे बोलते केबिने, लेकिन मदरबोर्ड सारे डिवाइसेस जब कनेक्ट होते तो बोलते हैं हमारा सीपीयू है और आसानी तरीके से काम करता है। तो देखो सारा कंट्रोलिंग इसी के हाथ में होता है, यह छोटा सा जो चिप दिख रहा है आपको प्रोसेसर, इसी के हाथ में होता है। अगर इसको निकाल दे तो कंप्यूटर में कोई काम नहीं होगा, कंप्यूटर हमारा ऑन ही नहीं होगा। तो देखो कौन सा जनरेशन का है, या क्योर i3 है, ठीक है, और इसमें प्रेजेंट टाइम बहुत ज्यादा यह चल रहा है। इमेजेस देखना तो बहुत सारा देख सकते हो, इसके बारे में एक एक करके जानेंगे समझेंगे। हाँ आपको सीपीयू को खोल के भी मैं दिखाऊंगा कि किसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे कनेक्ट किया जाता है, बस मैं आज बेसिक बता रहा हूँ पॉइंट क्या है, किसे क्या कहते हैं, ओके ना। चलिए मैंने इतना बताना तो मैंने बताया, आज लैब में क्या करोगे थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।